नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स डिजिटल। मैं दीपक राय। इस समय हम भोपाल के सबसे पुराना मेला स्थल पर आ गए हैं। जी हाँ, भोपाल उत्सव जो मेला है करीब 31 साल से लगातार जारी है। यहाँ एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य शिविर है जो एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ मेला में आने वाले नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 31 सालों से उत्सव, व्यापार, मनोरंजन और सेवा का संगम जिसका नाम भोपाल उत्सव मेला है, वो टीटी नगर दशहरा मैदान में लगता हुआ आया है। इस वर्ष भी 31वें वर्ष में ये प्रवेश किया है। हम लोग मेले से जो हमको थोड़ी बहुत उपलब्धि होती है, उस सबको प्रतिवर्ष हम सेवा के कार्यों में लगा देते हैं। और सेवा भी ऐसी कि कई तरह के जो बहुत ही विकट बीमारियां हैं उनका भी इलाज कराने की कोशिश करते हैं। और ये काम हम साल भर ही करा करते हैं, जिसमें कि कैटरिक यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन, नेत्र शिविर लगाते हैं, कृत्रिम अंगों का निर्माण, जन्मजात विकलांग बच्चों के ऊपर कार्यक्रम करते हैं, ब्लड शुगर ब्लड की टेस्टिंग करते हैं, हार्ट और बाकी चीज़ों पे लोगों के सहयोग से, जो भोपाल के बड़े प्रतिष्ठान, बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके सहयोग से ये काम हम यहाँ मेले में भी संपन्न कराने का कोशिश करते हैं। मेला जब से लगा है हमने यहाँ एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हम कई तरह के काम तो रोज़ाना करते हैं और बहुत विशेषज्ञों को बुला करके एक डिफरेंट डेज में अलग अलग प्रोग्राम भी हमारे द्वारा यहाँ किए जाते हैं। अभी हाल में जैसे 4 प्रोग्राम हमारे ऐसे हैं जो कि प्रतिदिन पूरे 30 दिन चलेंगे, जिनमें विशेषकर होम्योपैथिक का एक मध्य प्रदेश शासन की ओर से यहाँ कैंप लगाया है, जिसमें कि लोगों के जांच और उपचार और दवाइयाँ ये सब निःशुल्क दी जाती हैं। मेला को लेकर कैबिन बनाए गए हैं। यहाँ फिजियोथेरेपी की जानकारी दी जा रही है। यहाँ आयुर्वेदिक कैंप का जो है वो लगाया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं। आयुष मेला है। अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे, एक फ़ीमेल थी, उनको वीकनेस हो रही थी, बैक एक था, वाइट डिस्चार्ज था, तो उसकी मेडिसिन हम लोग ने प्रोवाइड करी। बच्चा था, उसको वाइट स्पॉट्स हो गए थे, तो उसकी मेडिसिन प्रोवाइड करी। हमारा होम्योपैथी चिकित्सक है हम लोग, और यहाँ पे हम सारे टाइप के जो आ रहे हैं अभी पेशेंट्स, ज़्यादातर बीपी वाले प्रॉब्लम वाले आ रहे हैं यहाँ पे पेशेंट्स। और 27 दिसंबर को मेदांता गुड़गांव की टीम यहाँ आ रही है, जो कि हार्ट से संबंधित बीमारियां, लीवर और इससे ब्लड शुगर के बारे में किस तरह की अवेयरनेस रहेगी, उनके विशेष लोग यहां पर डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के साथ उनके असिस्टेंट भी यहां उपस्थित होंगे, जो यहां लोगों को मुफ्त सलाह और उपचार देने की व्यवस्था करेंगे। हम लोग जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के रिसर्च विभाग से हैं। मैं डॉक्टर अलिभा रावत, जेनेटिक काउंसलर, ये मेरी पूरी टीम है। ओरल कैंसर जो है, हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर, आपको ताजुब होगा कि भोपाल से ही जा रहा है, जिसका मेन कारण तंबाकू और स्मोकिंग करना है, तो हम लोग खासतौर पर उस पर फोकस करते हैं। और जो लोग भी स्मोकर्स हैं उन सबसे हम अनुरोध करते हैं कि जो बीड़ी तंबाकू लेते हैं वो ज़रूर यहाँ आएँ और ये निःशुल्क जो हम लोग जाँच कर रहे हैं उसका लाभ लें, क्योंकि हमें उनके जो छाले होते हैं उनको देख के हम अनुमान लगा लेते हैं कि आगे चल के कौन से कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं, कौन से नहीं, और उन्हें आगे फिर जांच के लिए मोटिवेट करते हैं। आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स डिजिटल के लिए दीपक राय की लाइव रिपोर्ट।